ये मिठाई देखने में जितनी सुंदर लग रही है, खाने में उतनी ही स्वादिष्ट है। और घर में बनाई है तो प्योरिटी की भी फुल गारंटी है। हाँ, बनाने में थोड़ी मेहनत ज़रूर है, लेकिन जब रिजल्ट इतना अच्छा आता है तो थोड़ी मेहनत करने में कोई हर्ज नहीं है। वेलकम टू डिलाइटफुली देसी। आइए देखते हैं इसको बनाना कैसे। इसके लिए मैंने सबसे पहले लिया है 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क। फुल फैट मिल्क है ये, जिसमें मलाई अच्छे से पड़ती है। अब इस दूध को हमें तेज गैस पे तब तक उबालते रहना है जब तक कि ये 1/3 ना हो जाए, और इसको लगातार चलाते रहना है। इसको चलाते हुए हमें करीब 20 मिनट हो गए हैं और ये रिड्यूस हो गया है 1/3 की क्वांटिटी में। अब हम गैस को बंद कर देंगे और दूध को थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो 10 मिनट के बाद में ये दूध अब हल्का गुनगुना रह गया है। इसको चला लेंगे, चारों किनारे अच्छे से साफ़ कर लेंगे। अब इसमें मैं मिला रही हूँ 100 ग्राम मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हमने गैस ऑन नहीं की है, इसको ऐसे ही मिक्स कर रहे हैं। अब इसमें मिला रही हूँ 100 ग्राम पनीर। पनीर को भी ऐसे ही मिक्स कर देंगे। अब इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच घी, टेबल स्पून घी डाला है। अब इन सब चीज़ों को मिलाकर अब गैस ऑन कर लेंगे। गैस ऑन करके भी इसको लगातार चलाते रहना है हमें। 10 मिनट लगातार चलाने के बाद में इससे खोए का शेप ले लिया है। अब इसमें मिलाएंगे 100 ग्राम शक्कर। शक्कर मिलाने के बाद भी लगातार चलाते रहेंगे। ये सब काम मैं तेज गैस पे कर रही हूँ। अगर आप धीमी गैस पे करेंगे तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। इसमें मैंने डाला है 50 ग्राम कोकोनट पाउडर। कोकोनट पाउडर बाज़ार में रेडीमेड मिल जाता है, नहीं तो आप मिक्सी में चला के बना सकते हैं। अब इस मिक्सचर को हम थोड़ा एक कटोरी में अलग निकाल देंगे। बाकी के मिक्सचर को हम लगातार चलाते हुए डार्क ब्राउन कलर तक सेकेंगे। इसको इसी तरीके से तेज गैस पे मैं चला रही हूँ। इसमें थोड़ा मैंने कुटी हुई इलायची डाल दी है। वाइट वाले मिश्रण में नहीं डाली थी इलायची, उसे एकदम वाइट रखा है। अब ये देखिए कलर आने लगा है इसमें धीरे धीरे। इसको और इसी तरीके से डार्क कलर होने तक चलाते रहेंगे। इसको इस कलर तक लाने के लिए मेरे को 20 मिनट लग गए हैं। अब ये कलर आ गया है। अब इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। एकदम अच्छे से ठंडा कर लेना इसे हमें। अब यहाँ दोनों मिश्रण ठंडे हो गए हैं, देखिए। इसको अब हम अपनी मनपसंद शेप में मोल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक पॉलीथीन पे घी लगाया है। घी अच्छी तरीके से लगा लेंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ पहले ब्राउन वाला मिक्सचर। इसको पॉलीथीन की सहायता से ही रोल कर लेंगे ताकि हाथ में चिपके नहीं और शेप अच्छी आ जाएगी। एक दूसरी शीट रख लेते हैं इसके ऊपर। हाँ, अब रोल करेंगे। ये देखिए इसकी ऐसी थिकनेस रखी है मैंने। ब्राउन लेयर तो तैयार हो गई है, अब हमें तैयार करनी है वाइट लेयर। तो इसके लिए इसके ऊपर हम ये वाइट वाला खोया अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। इसको भी पॉलीथीन की सहायता से ही स्प्रेड करेंगे धीरे धीरे करके। थोड़ा थोड़ा मिश्रण डालते जाइए, नहीं तो वो एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगा। चाहे तो आप अलग से एक वाइट शीट रोल करके और फिर इसके ऊपर लगा सकते हैं। ये पूरा स्प्रेड हो गया है। अब पॉलीथीन को इस तरीके से रोल करते हुए हमें इसका एक अच्छा सा रोल बनाना है। ये हाथों में बिल्कुल नहीं चिपक रहा है, तो आप हाथ से भी रोल कर सकते हैं इसको। ये रोल तैयार हो गया है। अब ये एक्स्ट्रा एजेस को हम निकाल देंगे। अब इसको गोल गोल आकार में काट लेंगे। आधा इंच के थिक स्लाइसेस कट कर रही हूँ मैं। आप चाहे तो इसको तिकोना या चौकोर कोई भी आकार दे सकते हैं। मैं यहाँ इसको पेड़े का आकार दे रही हूँ। कितना सुंदर रूप आया है इस मिठाई का। अब ये अंत का बचा हुआ पार्ट भी निकाल देंगे। अब इन सबको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसको साइड में रखते हैं। अब बनाते हैं दूसरी मिठाई। तो इसके लिए मैंने यहाँ व्हाइट बचा हुआ खोया ले लिया है पूरा। इसको पॉलीथीन की सहायता से पतला पतला बेल लेंगे। ये देखिए पतली सी लेयर तैयार है। अब यहाँ पर मैंने ये ब्राउन वाली लेयर भी बेल के तैयार की है। ये एक्स्ट्रा एजेस को इधर साइड पर लगा देते हैं।
अब एक बार फिर से दोनों को मिक्स करते हुए बेल लेंगे। ये दोनों लेयर्स तैयार हैं, अब इसको रोल करेंगे। पहले हमने ब्राउन वाले में वाइट शीट लगाई थी, अब वाइट वाले पे ब्राउन शीट लगाई है। ये रोल अच्छे से तैयार हो गया है। अब इसमें हम एक और ट्विस्ट देंगे। यहाँ पर मैंने ये स्प्रिंकलर लिए हैं, ये बच्चों को काफ़ी पसंद आते हैं। इन स्प्रिंकलर्स को इस शीट पर रोल कर देंगे और वाइट वाले पे ये देखिए कितना निखर के आ रहा है। बस अब इसको भी पेड़े के आकार में कट कर लेंगे। ये देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है। इन दोनों तरह की मिठाइयों के लिए मैंने कोई भी नट्स नहीं यूज़ किए हैं, क्योंकि कुछ लोगों को नट्स से एलर्जी होती है और कुछ लोगों को पसंद नहीं आते हैं नट्स। तो ये खाली मावे की ही मिठाइयाँ हैं। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं दोनों तरह की मिठाइयाँ। तो आप भी इन्हें घर पे ज़रूर बनाएं और मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ऐसी ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।